हरिद्वार दर्शन के नाम से प्रस्तावित पॉड टैक्सी योजना का विरोध व्यापारी संगठनों ने शुरू कर दिया है। संगठनों का मानना है कि बड़े शहरों में जहां पर ये प्रोजेक्ट लगने चाहिए अभी ये वहां भी नहीं लगे हैं, जबकि हरिद्वार एक पौराणिक शहर है जिससे इसकी पौराणिकता समाप्त हो, जिसका हम विरोध करते हैं। हरिद्वार में पॉड टैक्सी योजना का व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। योजना का ब्लूप्रिंट सामने आने के बाद अपर रोड पर पॉड टैक्सी का रूट निकालने पर स्थायी व्यापारी आपत्ति जता रहे हैं। आज प्रांतीय उद्योग व्यापारी मंडल ने बैनर तले अपर रोड के व्यापारियों ने हाथ में डमरू बैनर और तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए योजना का विरोध किया और इसका रूट बदलने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि अपर रोड में पॉड टैक्सी को ले जाने से न सिर्फ इस मार्ग पर कुंभ में निकाले जाने वाली परेशानियों पर फर्क पड़ेगा बल्कि हरिद्वार का व्यापार भी चौपट हो जाएगा। व्यापारियों ने पॉड टैक्सी का रूट ना बदलने पर कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है। स्वागत करते हैं, पॉड टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे जाकर के व्यापारियों के बारे में, बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से पीड़ा है, इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयां यहाँ निकलती है वो प्रभावित हो रही है, बड़े बड़े कुंभ मेले यहाँ लगते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिला अधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा, इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। व्यापारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल फिर से रोड पे आ चुका है, फिर से मोर्चा संभाल लिया है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने। सभी व्यापारियों का साथ देगा और व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है, सब हमारे साथ खड़े हो, पूरा हक उनको दिला के रहेंगे। इस पे पोर्ट कार को अपर रोड पे नहीं आने देंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।